नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम नगर निगम में मौजूद है जहां पर एक बाल नाटिका का आयोजन हुआ है और मेरे साथ हैं सरुनिका मैम और जानते हैं इनसे कि इस बाल नाटिका का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आप। धन्यवाद। ये बाल नाट्य का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों में एक यूनिटी की भावना आए, बच्चे एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट को जब पूरा करते हैं तो उनमें एक अलग तरह का जज्बा आता है, एक साथ होके एक नाटक खेलना, और ऊपर से नाटक तो हमारी बहुत पुरानी संस्कृति भी है तो बच्चे उससे रूबरू होते हैं। प्लस इसमें अगर आप हमारी कहानियाँ देखें, वो हमने हिंदी साहित्य से ली हैं सारी कहानियाँ, तो हिंदी साहित्य को भी अगर हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ जब वो उन्हें एक्ट करेंगे तो वो उनका मतलब समझेंगे। तो यही उद्देश्य है मेरा बाल नाट्य से। मैम, आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, ये नाटक करके आज के यूथ को या फिर आज के बच्चों को या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को एक तो एक साथ रहने की आदत होनी चाहिए। अगर आप नाटक देखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी ये गड़बड़ा जाएगा, कभी ये गड़बड़ा जाएगा, ये सब बच्चे एक साथ कैसे एक दूसरे को थामते थामते इस नाटक को पूरा करेंगे, वो अपने आप में एक लेसन है। मैम, आजकल के मॉडर्न टाइम में बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करें या कुछ ऐसा नाटक करें, सबको फ़ोन्स चाहिए होते हैं या डिजिटल डिवाइसेस चाहिए होते हैं, तो आज के ऐसे मॉडर्न टाइम में आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं इसमें आपको माफ़ी चाहूँगी कहने के लिए कि बच्चे नहीं चाहते हैं, बच्चे तो नकल करते हैं पेरेंट्स की। अगर आप बच्चों को देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो बच्चा आपसे डॉक्टर बनने की एक्टिंग करेगा घर पर, बच्चे एक्ट करते हैं जैसा आप करते हैं। मोबाइल युग देखिए, मेरे हाथ में भी मोबाइल है तो कैसे ना मेरी बेटी मोबाइल ले ले। एक्चुअली में तो मोबाइल ने जकड़ा है हमारी जनरेशन को, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं कोरोना के बाद, सारे पैसे भी मोबाइल से जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना होता है। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरा है या सोशल मीडिया बुरा है, लेकिन इसका प्रभाव जो बच्चों पे पड़ा है उससे हम सिर्फ ऐसे ही बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मोबाइल हटा दीजिए, अगर मैं अभी मोबाइल हटा दूँ तो सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कोई पेरेंट आने वाला है, कोई गेस्ट आने वाला है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इस तरह के नुक्कड़ नाटक हैं, नाट्य हैं और एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमें बढ़ावा देना होगा बच्चों के लिए। और इसी से हमारा संबंध रखता है हमारा आखिरी नुक्कड़ नाटक भूलता बचपन। आपने अभी जिक्र किया भूलता बचपन, तो ये नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इस नाटक के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये भूलता बचपन थोड़ा सा मेरे दिमाग का है कि जैसे अलीशा के साथ भी मैं देखती हूँ कि बस ज़रा सा मौका मिला है और फ़ोन लेना है, तो उस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि बच्चों को हम पार्क में ले जाएँ और खुद इनिशिएटिव लें कि उन्हें वो गेम खिलाएँ। पोशंपा, इसमें यही चीज़ है कि बच्चे फ़ोन में लगे हैं और दो बच्चे आते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं और सब बच्चों को दूसरे खिलौने खिलाते हैं जो बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। और इस नाटक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब मैं भूलता बचपन करा रही थी तो वॉज आई एक्सपेक्ट कि चलो बच्चे तो कर ही लेंगे, और कुछ गेम्स तो ऐसे थे जो बच्चों ने सच्ची में कहा, मैम ये कौन से गेम होते हैं। जैसे हमारे टाइम पर हम खेलते थे बम फटा, तो इतना प्यारा वो गेम हुआ करता था और रेयर ही किसी बच्चे को पता था, या नीली पीली साड़ी। तो ऐसे गेम बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं और जो कि आपके मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ये सब प्रोग्राम्स कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ आप इसका स्टार्टिंग बिगनिंग बताइए, आपने कैसे सोचा ये सब करने? देखिए, बिगनिंग तो मेरी मम्मी बता सकती हैं, जब मैं शायद इतनी सी होंगी तभी से ये मेरे को भगवान ने सोचा कि एक छतरपुर की लड़की थी उसको एक कलाकार बना दिया, और अपनी कला को ही आगे बढ़ाते 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 मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बाकी नाट्य में अगर आप भी देखें तो 2015 से मैं नाट्य में सजग हूँ। इससे पहले मैं एक अभिनेत्री रही हूँ, मुंबई में टेलीविजन में काम किया करती थी, और फिर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हुए 2012 में रुड़की शिफ्ट हुई, और 2015 से ये हमारा आ गया जिसमें कि हमने आखिरी नाटक लॉकडाउन से पहले किया था लाइव। उसके बाद आप जानते ही हैं कि हमने अपनी कहानियाँ बनाई हैं, बोलती कहानियाँ, और उसके बाद नुक्कड़ के बाद हमारा ये आज पहला नाटक है, सॉरी कोरोना के बाद लाइव नाटक। चलिए, मैम ने बताया कैसे वो इस प्रोग्राम से जुड़ी, कैसे उन्होंने इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया। अब आते हैं और बच्चों से ही आके बात करते हैं, जो इस प्रोग्राम में बच्चे भाग लिया है उन्होंने, उनसे जानते हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? माहिका रस्तोगी। माहिका रस्तोगी, कौन सी क्लास में हैं आप? फोर्थ सी। फोर्थ सी। आप मैम के साथ कैसे जुड़े? चलिए ये बताइए, आप आज कौन सा नाटक परफॉर्म करने वाले? चार नाटक। कौन से कौन से? भूलता बचपन, हामिद का चिमटा। हामिद का चिमटा के बारे में कुछ बताएंगे? उसमें एक लड़का होता है जो ईद पर कुछ भी ना लेकर बस अपनी माँ के लिए चिमटा ले लेता है। तो ये नाटक क्या मैसेज देता है बाकी सबको?
कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, और बच्चों से देखते हैं। आपका नाम क्या है? माधव मंदिरता। कौन सी क्लास में हैं आप? थर्ड डी, मतलब थर्ड ई। मैम से कैसे जुड़े हैं? नहीं पता। कौन सा नाटक परफॉर्म कर रहे हैं? हामिद का चिमटा और अंधेर नगरी चौपट राजा और भूलता बचपन। अंधेर नगरी चौपट राजा तो सभी ने सुना है, ये नाटक होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें एक राजा होता है और एक बड़ा होता है, और वो आता है और उसकी बकरी दीवार के नीचे होती है। ये नाटक जो है ये क्या मैसेज देता है? कोई बात नहीं, बच्चे नाटक परफॉर्म करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और क्या मीनिंग है, क्या मैसेज दे रहे हैं वो उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता है, और बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अमायरा। कौन सी क्लास में हैं आप? अब मैं थर्ड डी में आऊँगी। मैम के साथ कब से नाटक कर रहे हैं? मार्च से। कैसे लगती हैं मैम आपको? अच्छी। नाटक कैसे सिखाती हैं? क्या क्या कुछ नया आपको सीखने को मिलता है नाटक करते हुए? एक्टिंग। अभी कौन सा नाटक परफॉर्म करने वाले हो? अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके बारे में बताइए। इसमें जैसे सब्जी वाला। ये नाटक क्या मैसेज देता है? आप बताइए। मैसेज का नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं प्ले करने में। मैसेज क्या है वो इनडायरेक्टली ही मैसेज दे देते हैं बाकी सब जनता को, और बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं। और इसी तरीके की और जानकारी लेने के लिए और न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।